रामगिरी महाराज की ओर से पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अमरपाटन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक भाषण देने पर आक्रोशित मुस्लिम समुदाय के लोग लामबंद होकर अमरपाटन थाना पहुंचे। यहां थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। समुदाय के लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए मंच से भाषण दिया था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आक्रोशित मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि हमारे पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी मांग है कि गंगागिरी महाराज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो ये अभद्र टिप्पणी किया है वो उसे तो लोग संत बोलते हैं, लेकिन मैं उसे इस काबिल भी नहीं समझता, क्योंकि वो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में अभद्र टिप्पणी करके हम सभी मुसलमानों का दिल दुखाया है। तो उसी के विरोध में आज हम सभी मुस्लिम समुदाय के लोग उसके खिलाफ FIR करवाने आए हैं। जितने भी संत महाराज हैं वो जो है पब्लिसिटी पाने के लिए हमारे पैगंबर साहब के बारे में बुरा भला बोलते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। हमने सख्त कार्रवाई उन पे हो, उनके नाम पे ज्ञापन हमने सौंपा है अमरपाटन थाने में, और मांग की है कि सख्त कार्रवाई उन पे की जाए, ताकि हम जो है अपनी इज्जत और अपने सम्मान के लिए उनसे हम न्याय की उम्मीद रखते हैं। वो हमारे लिए न्याय करें और उन पर सख्त कार्रवाई करें, उन्हें फौरन गिरफ्तार करें। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।